हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का मेरे चैनल एडवांस स्टडी हब में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे जो ALP CBT 2 की जो आंसर की आई है, तो ये फिटर ट्रेड से मैं एक कैंडिडेट की यहाँ पे आंसर की यहाँ पे लेकर आया हूँ। और इसकी जो ट्रेड है फिटर ट्रेड है, और ये 23 जनवरी 2019 को फर्स्ट शिफ्ट में ये कैंडिडेट अपियर हुआ था। और अपियर होने के साथ साथ मैंने ये देखा कि एनालिसिस देखा कि इस शिफ्ट का जो पेपर था वो मॉडरेट था, और फिटर ट्रेड का काफ़ी लोगों ने पार्ट ए में सब अच्छा परफॉर्मेंस किया। रही बात पार्ट बी की, तो पार्ट बी क्वालिफाइंग नेचर का था, तो उसमें कैंडिडेट्स सफल नहीं हो पाए। तो आइए जानते हैं ये कैंडिडेट इसमें सफल हुआ है, पार्ट बी में सफल हुआ है या नहीं हुआ है, कितने इसके मार्क्स बने हैं। और साथ ही साथ एक और अपडेट मैं देना चाहता हूँ कि मैंने इससे पहले 4 से 5 वीडियोस बना रखे हैं सभी शिफ्टों का जो एनालिसिस है, तो वो आप लोग जाके अपने वीडियो सेक्शन में मेरे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, तो वो आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो एक एक करके वो वीडियोस भी आप लोग देख लीजिए। साथ ही साथ आप सभी लोगों से अनुरोध है कि चैनल को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और एक सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए। सब्सक्राइब कर देंगे तो आगे आने वाली वीडियो जो इसी तरीके से मैं डाल रहा हूँ, तो वो आपको हमारे इस चैनल के थ्रू मिलते रहेंगे। तो बढ़ते हैं अपने अपडेट की ओर समय ना व्यर्थ करते हुए। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पार्ट ए में सभी लोगों ने अच्छा किया, तो उसको मैंने इतना डिस्कस नहीं किया है। रही बात पार्ट बी की, तो सिर्फ वही जानना चाहते हैं सभी लोग, पार्ट बी को लेके ज़्यादा चिंतित हैं। तो यहाँ भी इस कैंडिडेट का मैं पार्ट बी का डिस्कस करूँगा और बताऊँगा कौन से क्वेश्चन इसके सही हैं, कौन से गलत हैं, कितने इसके मार्क्स बन रहे हैं। तो वीडियो शुरू करता हूँ और अपडेट शुरू करता हूँ अपना, तो बने रहिए अंत तक। तो जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये पार्ट बी का सेक्शन चालू हो गया है यहाँ से, और यहाँ पे फिटर ट्रेड यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यहाँ इस कैंडिडेट ने यहाँ पे इसने अटैम्प्ट नहीं किया है, सेकंड वाला भी अटैम्प्ट नहीं किया है, थर्ड भी इसने अटैम्प्ट नहीं किया है, फोर्थ किया है और इसका सही है, और फिफ्थ वाला इसका गलत हो गया है, सिक्स्थ वाला इसका जो रहा है थर्ड बिल्कुल सही है, सेवन्थ वाला इसने अटैम्प्ट नहीं किया है, एट भी इसने अटैम्प्ट नहीं किया है, ठीक है। नाइन्थ की बात करते हैं, नाइन्थ भी ये इसका गलत हो गया है, ठीक है। टेंथ में आते हैं, टेंथ में इसने बिल्कुल सही किया है, 11वें क्वेश्चन में इसने बिल्कुल सही किया है, 12वें क्वेश्चन में इसने अटेम्प्ट नहीं किया है, 13वां क्वेश्चन जो है ये इसने गलत कर दिया है, और 14वें क्वेश्चन में देखते हैं ये इसने सही किया है, 15th इसने गलत किया है, 16th बिल्कुल गलत है, 17th इसने सही नहीं किया है, 18th इसका यहाँ पे गलत है, 19th इसका यहाँ पे सही है, 20 इसका यहाँ पे सही है, ठीक है। 21 यहाँ पे इसका गलत हो गया है, 22 यहाँ पे गलत है, 23 उसी हिसाब से यहाँ पर नहीं किया है इसने, 24 यहाँ पे इसका सही है, और यहाँ 25 भी यहाँ पे इसका अटेम्प्ट नहीं हुआ है, 26 यहाँ पे सही है, 27 यहाँ पे गलत हो गया है, 28 यहाँ पे अटेम्प्ट नहीं किया है, 29th यहाँ पे गलत है, 30 यहाँ पे अटेम्प्ट नहीं है, 31 इसका गलत हो गया है, 32 यहाँ पे अटेम्प्ट किया हुआ है लेकिन ये गलत है, 33 यहाँ पे बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं किया है, 34 यहाँ पे अटेम्प्ट है लेकिन सही है, 35 अटेम्प्ट नहीं है, 36 यहाँ पे सही है, 37 यहाँ पे गलत है, 38 यहाँ पे अटेम्प्ट नहीं है, 39 भी अटेम्प्ट नहीं है, 40 यहाँ पे सही है, 41 यहाँ पे गलत है, 42 यहाँ पे अटेम्प्ट नहीं है, 43 यहाँ पे अटेम्प्ट नहीं है, 44 यहाँ पे देखने वाली बात है ये भी अटेम्प्ट नहीं है, 45 यहाँ पे गलत है, 46 यहाँ पे गलत है। तो जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ पे गलत अटेम्प्ट हुए हैं, और 47 भी यहाँ पे गलत हो गया है, 48 देखते हैं, 48 सही है, 49 सही है, 50 यहाँ पे अटेम्प्ट नहीं है, 51 अटेम्प्ट नहीं है, 52 यहाँ पे गलत है, 53 यहाँ पे सही नहीं है, 55 यहाँ पे अटेम्प्ट नहीं है, और 55 यहाँ पे अटेम्प्ट है लेकिन यहाँ पे ये गलत हो गया है, 56 यहाँ पे सही है, 57 यहाँ पे गलत, 58 अटेम्प्ट नहीं है, 59 सही है, 60 भी यहाँ पे गलत हो गया है, 61 यहाँ पे सही है, 62 यहाँ पे सही है, 63 यहाँ पे अटेम्प्ट नहीं है, 64 यहाँ पे ये सही है, 65 यहाँ पे गलत,
66 अटैम्प्ट नहीं है, 67 सही, 68 अटैम्प्ट नहीं है, 69 यहाँ पे गलत, 70 यहाँ पे सही, 71 यहाँ पे गलत, 72 यहाँ पे सही है, 73 यहाँ पे अटैम्प्ट नहीं है, 74 यहाँ पे अटैम्प्ट नहीं है, 75 यहाँ पे अटैम्प्ट नहीं है। तो 75 भी यहाँ पे अटैम्प्ट नहीं है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें कितने इसने यहाँ पे अटैम्प्ट करे हैं, तो इसके यहाँ पर देखने वाली बात रही है। तो यहाँ पे इस कैंडिडेट ने यहाँ पे फिटर ट्रेड से था, तो यहाँ पे इसके जो करेक्ट हैं तो करेक्ट होके यहाँ पे इसके 22 22 मार्क्स यहाँ पे इसको मिले हैं, 22 सही हैं, और रॉन्ग इसके यहाँ पर बहुत हो गए हैं। तो रॉन्ग हो जाने के आप 24 इसने यहाँ पे गलत कर दिए हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो 1/3 का भाग हम रॉन्ग में दे देते हैं, रॉन्ग वाले में। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 8। ठीक है, 8 नंबर इसके कटेंगे किस में से, सही वाले पोर्शन में से। ठीक है, मीन्स क्या होगा, 22 में से यहाँ से 8 यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, तो 22 में से 8 गए, तो यहाँ पे सिर्फ इसका 14 नंबर निकल के आ रहा है फिटर ट्रेड से। तो 14 नंबर तो काफ़ी कम है, 26.5 या 27 नंबर यहाँ पे चाहिए थे पार्ट बी को क्वालिफाई करने के लिए। तो ये कैंडिडेट यहाँ पे सफल नहीं हुआ है, फिटर ट्रेड से था। और भी तो अपडेट सिर्फ इतना ही था, और भी जो वीडियोस वगैरह हैं तो वो आप देख लीजिए हमारे इस डिस्क्रिप्शन लिंक में। और भी जो मैं वीडियो डालने वाला हूँ और भी आप देखते रहेंगे, तो उससे पहले हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, एक लाइक का बटन कर दीजिए, और जो भी क्वायरीज वगैरह हैं आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपका पॉजिटिव वे में एक जवाब देंगे। तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, भले ही तो वो ALP से रिलेटेड हो या फिर आप किसी और एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ ALP के जो भी क्वायरीज वगैरह हैं वो हमसे पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे इस तरीके के वीडियोज़ और भी आप चाहते हैं हमारे चैनल के थ्रू, तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए हमारा चैनल, जिससे आगे आने वाले वीडियोस भी आपको हमारे इस चैनल के थ्रू मिलते रहेंगे कुछ इसी तरीके से। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, मिलता हूँ आपसे, थैंक यू सो मच।